नंबर एक मैट्रिक फिजिक्स का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एक ऐसी फोर्स जो क्या, जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं सॉरी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे? सपोज दैट यहाँ पे ए टू बी में जाना है या ए टू बी में जाना है, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं। मिसाल तौर पर यहाँ से एक पाथ ये भी हो गया, एक पाथ ये भी हो गया और एक पाथ ये भी हो गया, तो देखो तीन रास्ते हैं हमारे पास। अब हम कहीं से भी अगर इसका वर्क डन वैल्यू करें तो वर्क डन का फार्मूला सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब ये किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। अगर हम टोटल वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स से फाइंड करेंगे तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स जो सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने एक बाल को ऊपर फेंका है एक पॉइंट से बी पॉइंट एक सर्टेन हाइट एच पे, सही है, फिर वहाँ से आपने नीचे फेंका है तो मतलब पोजीशन सेम ए पे आ गया है। अब इधर हम फोर्स इधर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन वेट इस बॉडी का क्या है? डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी हाइट है, तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो इसमें ए टू बी जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा? माइनस एम जी एच। क्यों? क्योंकि वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हाइट हमारी क्या है? अपवर्ड, और एंगल हमारी इधर कॉस 180 होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। वेट और फोर्स के बीच में, वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितनी है? 180, और कॉस 180 क्या होता है हमारा? माइनस वन होता है। तो जब हम ए टू बी को बॉडी को मूव कराएंगे, काम करेंगे, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा माइनस एम जी एच। क्या हो जाएगा? माइनस एम जी एच। क्यों? क्योंकि बॉडी ए का वेट डाउनवर्ड है और बॉडी का जो हाइट है वो अपवर्ड है, तो मतलब एंगल हमारी कितनी हो गई? 180। तो कॉस 180 किसके बराबर होता है? माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क ए टू बी होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एच। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, जब यहाँ से हम नीचे फेंकेंगे तो इस बॉडी का वेट भी डाउनवर्ड है और हाइट भी क्या है? डाउनवर्ड है, तो इधर वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बिटवीन बी टू ए, बी टू ए की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस एम जी एच। क्यों प्लस एम जी एच है? क्योंकि यहाँ पे वेट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और हाइट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितनी होगी बेटा? कॉस थीटा जीरो होगी, और कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? वन होता है। तो यहाँ पे बी टू ए हमारा वर्क डन क्या हो गया? एम जी एच। अब टोटल वर्क डन क्या होगा इसका? अगर हम इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब जब ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा तो हमारी नेट हाइट जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है वेट हमारा, तो कंजर्वेटिव फोर्स में भी क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो गया? अगर आप सेम पोजीशन पे आते तो क्लोज पाथ बन जाता है। ए टू बी गए फिर बी टू ए वापस आए तो क्लोज पाथ हो गया बेटा। जब आपने काम किया ए टू बी एक पाथ ये, तो वर्क डन कितना हुआ? माइनस एम जी एच। क्यों माइनस एम जी एच है? क्योंकि वेट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, और हाइट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, ऊपर जा रहे हो। तो जब एंगल कितनी बनेगी इधर? 180 बनेगी, तो वर्क डन कितना होगा? माइनस एम जी एच। जब आप नीचे आते हो बी टू ए, तो वेट का डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड, तो एंगल कितनी होगी? जीरो। क्योंकि जब वर्क डन इधर वेट हमारा फोर्स बिहेव कर रहा है, वेट भी एक क्या फोर्स ही है, तो वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, हाइट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, थीटा कितनी हो गई? जीरो। तो कॉस जीरो किसके बराबर होती है? वन। तो वर्क डन क्या हो गया? एम जी एच। वर्क डन क्या होता है? एम जी एच। अब टोटल वर्क डन ए टू बी एंड बी टू ए, टोटल वर्क डन क्या होगा? पहले ए टू बी कितना आया था बेटा? माइनस एम जी एच। प्लस बी टू ए कितना वर्क डन है? प्लस एम जी एच। ये क्या क्या हो गया? जीरो, कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन बाय क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये हमारी डेरिवेशन। एक चीज को हम ऊपर फेंकते हैं ए से बी तक, फिर बी से ए, तो मतलब ये पूरा एक क्लोज पाथ हो गया। जैसे आप स्कूल से वापस घर आते हो, पहले आप एक स्कूल से आप अपने घर गए, फिर वहां स्कूल से वापस घर आए, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर वो फोर्स अगर आपकी कंजर्वेटिव होगी, तो अगर फोर्स फ्रिक्शन है तो वर्क डन कभी नहीं जीरो होगा। याद रखो, अगर फोर्स हमारी कंजर्वेटिव होगी उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में, द फोर्स विथ व्हिच वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, देन दिस फोर्स विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स।
तो याद रखो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कहां डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल हमने ली कि यहां से हमने एक बॉडी को ऊपर फेंकी बी पॉइंट तक, फिर बी से नीचे एक पॉइंट पे आई, मतलब ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका एक पूरा क्लोज पाथ हो गया। तो वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज इक्वल टू, ये हमारा ट्रू हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, सच फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। अगेन रिपीट करता हूँ बेटा, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ कहाँ किस पे डिपेंड करे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स जिसमें क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या हो जाए, जीरो, उसकी डेरिवेशन ये मैंने की है। तो ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव होगा और वर्क डन क्लोज पाथ का कितना होगा, जीरो। अब कौन कौन से फोर्स है कंजर्वेटिव, तो हमारे ये तीन फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमने इसे एग्जांपल में देखा, स्प्रिंग फोर्स है, अगर किसी भी पेंडुलम को आप रोटेट करवाते हो, अगर पेंडुलम ए टू बी जाता है फिर बी टू ए जाता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्प्रिंग भी हमारा जैसे 1/2kx2, स्प्रिंग फोर्स आपने पढ़ा 1/2kx, स्प्रिंग फोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई कंजर्वेटिव फोर्स की, कितने एग्जांपल है, दो याद रखो, तीन एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें भी वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो, इसमें भी वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो, इसमें भी वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो। तो ये तीन हमारी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स व्हिच इज नॉट कंजर्वेटिव, एक ऐसा फोर्स जो कंजर्वेटिव नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है, अ फोर्स इन व्हिच वर्क डन डस डिपेंड्स अपॉन पाथ, इसमें वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, जैसे फ्रिक्शन हमारी पाथ पे डिपेंड करती है, कैसे पाथ पे डिपेंड करती है, सपोज बेटा एक चीज याद रखो, एक क्वेश्चन आया भी है कि हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पार्टी का जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, ये नहीं हो सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव है फिर भी वर्क डन जीरो नहीं होगा, वो हम प्रूव करते हैं। सिर्फ कैसे आता है, सपोज बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, आपने ए टू बी इसको मूव कराया, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट रख दी एफ, क्योंकि मोशन के अपोजिट हमेशा क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, सही है। अब यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना कवर किया, एस डिस्प्लेसमेंट। अब इधर आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, लेकिन ये फोर्स कौन सी बेटा, फ्रिक्शन है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस। क्यों माइनस एफ एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, एंगल कितनी बनेगी बेटा, 180, और हमें पता है कॉस थीटा भी लगती है वर्क डन में, तो कॉस 180 किसके बराबर होती है, माइनस 1 के, तो इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से माइनस वर्क डन आया। अब मतलब जब हम यहाँ पहुंचे, अब वापस आते हो बेटा, क्योंकि ए पॉइंट से बी तक गए, फिर क्लोज पाथ इधर भी हो रहा है बी से आए, लेकिन जब यहाँ से आप वापस आते हो बी से ए तक, तभी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, ऐसी है, लेकिन आपको फ्रिक्शन की फोर्स डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, इस डायरेक्शन है, फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में हो गई, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ है, तो वर्क डन बी टू ए कितना होगा बेटा, यहाँ पे भी कितना होगा, माइनस एफ एस, यहाँ पे भी कितना वर्क डन, माइनस एफ एस। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल कितनी होगी, एंगल होगी हमारी 180, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, तो पैरेलल में वर्क डन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे आप टोटल वर्क डन मालूम करो, अब देखो, अब जब यहाँ से आप गए बी तक, बी से वापस ए तक आए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, जब इनिशियल पोजीशन से वापस आ जाते हैं इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। अब इधर वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले टोटल वर्क डन मालूम करेंगे, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए, अब ए टू बी में वर्क डन कितना आएगा बेटा, माइनस एफ एस, ए टू बी वर्क डन कितना आएगा, माइनस एफ एस, प्लस बी टू ए माइनस एफ एस, अब टोटल वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस प्लस ए टू माइनस एफ एस, तो टोटल वर्क डन क्या होगा बेटा, माइनस टू एफ एस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भले जीरो है, लेकिन वर्क डन आपका हो रहा है नेगेटिव वर्क डन। ये क्यों वर्क डन हो रहा है, तो लाजमी नहीं, हम फिजिक्स वाले टीचर बहुत बोलते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो होगा, वो डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सा है। अब इधर देखो बेटा, फोर्स कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स था, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसकी एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इधर देखो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हुआ, नेवर, तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मेल्टन कभी भी जीरो नहीं होगा और कंजर्वेटिव फोर्स में मेल्टन जीरो होता है। अगर किलोस्पार्क की बात करें तो आप समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव फोर्स क्या है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है जो पाथ पे डिपेंड करे।